लाखों का पुण्य कमाइए, लोगों को यात्रा का वीडियो भेजकर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। आज आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे मंदिर जिसको वीजा हनुमान मंदिर कहा जाता है। इनका नाम है चमत्कारिक हनुमान, लेकिन उनके दर्शन से पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर आके मन्नत मांगी थी और उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिला था, क्योंकि गोधरा कांड के बाद अमेरिका मोदी जी को वीज़ा नहीं दे रहा था। तो बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर आकर संकल्प किया था और मोदी जी को वीज़ा मिला था। अक्सर लोग वीज़ा चाहते हैं जाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, कनाडा, यूएसए, यूएई, लेकिन मैं इस मंदिर में आया था क्योंकि मुझे वीज़ा चाहिए जाने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि मेरी हिंगलाज माता पाकिस्तान में है, उनके दर्शन करने जाने हैं। मुझे वीज़ा चाहिए बांग्लादेश जाने के लिए, क्योंकि एक कामन में से तीन शक्तिपीठ वहाँ पे, और मुझे वीज़ा चाहिए था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं वीज़ा पाने के लिए, किसी को करियर बनाना है, किसी को शादी करके जाना है, किसी को एंजॉय के लिए जाना है, किसी को टूर के लिए जाना है, किसी को पढ़ाई के लिए जाना है, और किसी को विदेश सेटल होने के लिए वीज़ा नहीं मिलते। जिनके चार चार पाँच पाँच बार रिजेक्ट हो चुके हैं उनके भी वीज़ा यहाँ पर आकर क्लियर हो चुके हैं। वीज़ा पाने के लिए चार मंदिर फेमस हैं इंडिया में। एक है शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा तल्हान पंजाब में, दूसरे हैं चिलकुल बालाजी हनुमान जी का मंदिर हैदराबाद में, जहां पे मंदिर में कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, तीसरे हैं वीज़ा वाले बजरंगबली न्यू दिल्ली में, और चौथे हैं अहमदाबाद के खाड़िया में 1832 देसाई की पॉल में, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर है ये कालूपुर रेलवे स्टेशन से। विदेश जाने वाले गिने चुने भगवानों में से एक भगवान है हनुमान, जो समुद्र पार करके लंका गए थे, इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुख की होती है, दूसरे भगवानों को दक्षिण में नहीं रखा जाता। तरह की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई शादी के लिए, कोई संतान प्राप्ति के लिए, और कोई बिजनेस के लिए आता है। तो अभी आपको बताऊँगा कि पूजा विधि का संकल्प कैसे होता है मंदिर में। एक पासपोर्ट के लिए 151 रुपया लिया जाता है, जिसमें संकल्प करके पूजा करवाई जाती है। काम पूरा होने के बाद आपकी मर्जी हो तो आप आकर चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, 50, 100, 500, 1000, और चाहें तो 2500 रुपया दे के चढ़ा सकते हैं चोला श्रृंगार, और भगवान की आरती करवा सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हनुमान मंदिर में आपको संकल्प करना होगा। पूजा करते वक्त चमड़े की चीज़ पहन के मंदिर में नहीं जाना, वो तो आप चमड़ा निकाल देंगे, लेकिन जब पेट में चला गया उसका क्या करेंगे। चलिए, पूजा हो जाने के बाद एक कागज़ आपको दिया जाएगा, जिसमें दिया हुआ मंत्र आपको दिन में 11 बार पढ़ना है, तो उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हें पाही, ये मंत्र आपको मंदिर में से दिया जाएगा। किष्किंधा कांड का ये दोहा है 29 नंबर का। दूसरा मंत्र है दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकटवारी, सुंदरकांड का 26x4 का ये दोहा है। तो अगले दिन से रोज 11 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। आपके घर के आजू बाजू में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पे हफ्ते में जाकर एक बार आपको दर्शन जरूर करने हैं। महाराज हनुमान जी का जो फोटो दिया गया है उसे घर में स्थापित करके रोज उनके दर्शन करें, और जब आपका वीज़ा लग जाए तब वो फोटो लेकर आपको विदेश जाना है, और जाने से पहले एक बार हनुमान जी का दर्शन करने आना है। तो वीज़ा की शुरुआत हुई थी एक लेडीज से, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा था। कई कोशिशों के बाद उन्होंने यहाँ पर आके हनुमान जी से मन्नत मांगी, और जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने लोगों को बताया। उनको देखकर और लोग आए, उनकी मन्नत पूरी हुई और लोग आए, इसी तरह लाखों लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और लाखों लोगों को वीज़ा मिला। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे। तो आप भी ट्राई करिएगा, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय हनुमान जरूर लिखिएगा। सैटरडे, शनिवार, मंगलवार और रविवार को यहाँ पर रश रहता है। मैं नसीबदार था कि प्लान तो नहीं किया था, लेकिन मंदिर पहुंचा था तो उस दिन शनिवार था। जब भी आप जाएं तो पासपोर्ट लेकर जाना ना भूलें। अगर ना पॉसिबल हो तो मोबाइल के अंदर भी फ़ोटो मंगवा लेंगे तो वहां के महाराज संकल्प करवा देंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगले वीडियो आएंगे मेरे जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद, भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद, अरनेज के भूत भवानी मंदिर, कोट गणेश, वाटनगर हाटकेश्वर, वाटनगर के मोदी के गांव के हाटकेश्वर महादेव,
तो बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर 400 मंदिरों के अलग अलग ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा। तो लोगों को वीडियो भेजें और पुण्य कमाएं जैसे मैंने आपको दर्शन करवा के पुण्य कमाया है। तो जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम, जय महादेव।